तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर पूरी फिज़िक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है पूरी डेली लाइफ में भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी इसी चीज़ से आता है और वो क्या आता है अपने पास वर्क एनर्जी एंड पावर डेली लाइफ में हम वर्क करते रहते हैं डेली लाइफ में हम कहते हैं सब एनर्जी की बात करते रहते हैं ठीक है और पूरी फिजिक्स में भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की एनर्जी की बात की जाएगी किसी न किसी तरह के वर्क की बात की जाएगी चाहे वो अपने पास मैकेनिकल वर्क हो चाहे वो चार्ज पार्टिकल कोई वर्क कर रहा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो चाहे कोई स्प्रिंग वर्क कर रही हो ठीक है ऐसे जैसे थर्मोडोनिक्स में जाएंगे तो कोई थर्मोडोनिकल सिस्टम कर रहा हो इन एवरी चैप्टर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वर्क

किसने वर्क किया तो बात आती है देखो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो फोर्स लगा के यदि आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया क्या कहा कि वेन एवर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट देन द वर्क इज सेट टू बी डन बाई दैट फोर्स उस फोर्स ने वर्क किया कब कहोगे ऐसा कि जब वह फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देता है यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि नो वर्क इज डन कोई वर्क नहीं हुआ ठीक है तो वर्क के लिए क्या होना चाहिए फोर्स होना चाहिए और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वर्क किसने किया फोर्स ने फोर्स कहां से आया किसने लगाया जिसने फोर्स लगाया वर्क इज सेड टू बी डन बाई दैट सोर्स आपने किसी पर फोर्स लगाया और आपने उसको डिस्प्लेस किया तो हम कहेंगे कि यह वर्क आपने किया है आपने फोर्स नहीं लगाया किसी दूसरे ने फोर्स लगाया तो हम ये कहेंगे कि यह वर्क उसका है किसी दूसरे का है तो वर्क इज डन बाई द फोर्स और वर्क इज डन द सोर्स ऑफ फोर्स उसने वर्क किया है ठीक है डेली लाइफ ये तो हमने आपको फिजिक्स में बता दिया कि हम वर्क कैसे डिफाइन करते हैं कई आपको ये कह देते हैं सर कि डेली लाइफ के अंदर में जो वर्क होता है और फिजिक्स में जो वर्क होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं मैंने कहा ये किसने कह दिया हम फिजिक्स में उन्हीं बातों की स्टडी करते हैं जो हमारे पास उन्हीं फिनमिलाओं की स्टडी करते हैं जो हमारे पास डेली लाइफ में हो रही है तो डेली लाइफ के अंदर में जो वर्क है वही फिजिक्स में वर्क है तो बोले सर डेली लाइफ के अंदर में आप कहाँ कहते हो कहाँ फोर्स और कहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो मैंने कहा देखिए आप कोई एग्जाम्पल लीजिए वर्क का किसी को एक इंस्ट्रक्शन दीजिए यार मेरा एक काम करोगे क्या आपने कहा क्या करोगे मतलब एक साथ देखो वो एक उस कमरे में एक सुटकेस पड़ी है उसे उठा लो जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो गया और वहां पर उस सूटकेस के ऊपर उसने फोर्स लगाया और उसको आपके पास लाने की कोशिश की थोड़ी देर में वो वा, वापस आ गया मैंने कहा क्या हुआ एक काम कहा था काम नहीं किया तो बोले साहब मैंने तो फोर्स लगाया सूटकेस बहुत भारी है नहीं आ पाई मैंने कहा यार जा थोड़ा जोर से फोर्स लगा ज़्यादा फोर्स लगा तो वो गुस्से में गया और गया और जाके वापस उस सूटकेस के पर उसने फोर्स लगाया और थोड़ी तो देर में वापस आया मेरे पास उसके हाथ में उसका सूटकेस का हैंडल था अरे मैंने कहा यह क्या किया इस काम के लिए भेजा था क्या यह काम कहा था क्या तुमको कि इसको तोड़ दो तो बोला आपने कहा था फोर्स ज्यादा लगाओ मैंने फोर्स ज्यादा लगाया तो वो टूट गया मैं क्या करूं पहले बार में जब वो वापस आया था तो उसने कोई वर्क नहीं किया था नेक्स्ट टाइम जब वो गया तो उसने वर्क किया लेकिन जो वर्क किया मैंने उस वर्क के लिए उसको नहीं भेजा था मैंने डिस्प्लेसमेंट किसका चाहा था उस सूटकेस का और उसने डिस्प्लेसमेंट किसका कर दिया उस सूटकेस के हैंडल का तो वर्क तो हुआ सेकंड केस में लेकिन जो कहा वो नहीं हुआ ठीक है मैंने कहा ठीक है कैसा वो बहुत भारी है मेरे अकेले से नहीं होता है तो मैंने एक को कहा बोले किसी को एक और साथ में ले लो वो दोनों गए और दोनों ने उस सूटकेस को उठाया और मेरे पास ले आए देन वर्क इज सेट टू बी डन जरा देखिए जो वर्क मैंने कहा था उसमें भी क्या हुआ कि फोर्स लगा फोर्स लगा के उसका क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का तब जाके आपने क्या कहा वर्क हुआ आपने किसी को कहा एक, एक काम कर दिया मेरा छोटा सा तो उसने कहा क्या कहा भले एक गिलास पानी ला दो एक गिलास पानी लिया हो क्या करेगा उसके लिए भी वो डेफिनेटली वो यहां से जाएगा गिलास में पानी भरेगा अगेन क्या कर रहा है गिलास कहीं से उसने उठाया तो फोर्स लगाया गिलास का डिस्प्लेसमेंट किया कहीं अपने पास घड़े में से पानी उसमें डाला अगेन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद में वो गिलास लेके मेरे पास आया अगेन डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ देन द वर्क इज सेट टू बी डन तो वर्क हुआ तो डेली लाइफ में भी जो हम बात करते हैं कि साहब वर्क किसको कहते हैं तो डेली लाइफ में भी वर्क वही है जो फिजिक्स में वर्क है कोई अलग नहीं है डेली लाइफ में हम वेरी फर्स्ट डे आपको यही कहते हैं कि द फिजिकल फिनोमिना हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग इज स्टडीज इन फिजिक्स हमारे आसपास में जितने भी फिजिकल फिनोमिना हो रही है उसी की स्टडी हम किस में कर रहे हैं फिजिक्स में कर रहे हैं तो इसलिए डेली लाइफ में जो वर्क है वो फिजिक्स में वर्क से अलग कैसे हो सकता है तो किसी ने कहता है तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो ये कहते हैं सर नहीं हमें तो ऐसा बताया गया क्यों बताया गया तो सा एक बात बताओ आप हमें होमवर्क देते हो उसमें कहाँ फोर्स और कहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है मैंने कहा देख लो चलिए मैंने आपको दिया कि क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये होमवर्क है ये करके लाइएगा होमवर्क है घर पर काम करना है चलिए क्या करोगे घर पर आप घर पर पहुंच गए बच्चा घर पर पहुंच गया अब क्या करेगा उस होमवर्क को करने के लिए जरा देखो क्या करेगा अपनी बैग उठाएगा अपने स्टडी टेबल पर रखेगा वर्क किया कि नहीं किया क्या होमवर्क हो गया नहीं अभी रुकिए उसने बाद में क्या किया बैग की अपने पास जिप खोलेगा चैन खोलेगा और उसमें से क्या किया उस नोटबुक को उठाएगा उठा के उसने टेबल पर रख दिया और थोड़ा रेस्ट करने लग गया इतने में मम्मी आई क्या हुआ होमवर्क करना था, था क्या यही काम किया अभी तक सो गया उठ वापस उठा उठ के क्या करेगा वापस फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के वापस क्या करेगा पेज पेज टर्न करेगा उसके बाद में पेन उठाएगा फिर फोर्स लगाएगा कैप को डिस्प्लेस करेगा फिर लिखना चालू करेगा फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट करेगा फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट करेगा फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट करेगा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन होमवर्क कंप्लीट अब वो लाएगा और लाके क्लास में दिखाएगा वापस क्या कर रहा है उसी नोटबुक का पर फोर्स लगा रहा है और उसको डिस्प्लेस कर रहा है लाया खोल के दिखाया वापस खोल रहा है फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है मैंने देखा यस वेरी गुड बहुत अच्छा होमवर्क हुआ तो जो होमवर्क आपको दे रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है कि आप फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं देन वर्क इज सेट टू बी डन तो वर्क हुआ अदरवाइज वर्क नहीं हुआ ठीक है अरे किसी ने जाके इतना भी काम नहीं किया क्या कॉपी तो खोली थी क्या इतना तो काम किया था क्या एक ने होमवर्क नहीं किया टीचर उसको डांट रहे हम उसको कह रहे हैं अरे घर जाके कुछ तो किया क्या जाके बैग तो खोली थी क्या इतना तो वर्क किया था क्या कॉपी तो निकाली थी क्या अरे क्वेश्चन तो पढ़ा था क्या कुछ तो काम किया क्या एक क्वेश्चन भी किया होता ठीक है तो उसने यदि कॉपी ही नहीं खोली वहां तक भी अपने पास वर्क नहीं किया तो होमवर्क कहां से कंप्लीट होगा तो होमवर्क नहीं हुआ ठीक है और देखिए आपने कमरे के अंदर में नया नया पेंट कराया किसी ने आके कि उसके ऊपर यू मार्क कर दिया मार्कर चला दिया आप आए गुस्से में दिखाओ क्या अरे ये किसका ने ये काम किसका है हु डू दिस वर्क किसने किया ये काम किसने किया दीवार गंदी दीवार गंदी कर दी अब उसके अंदर में आप कहते हैं सर कहा कोई दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या गलत दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या हुआ उसने उसने वापस पेन को खोला कैप को डिस्प्लेस किया उसके बाद में उसने पेन उस पर चलाया क्या हुआ उस पेन में से कुछ इंक आपकी किस पर चली गई दीवार पर चली गई तो उस इंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पर वो उसके ऊपर क्या हो गई चिपक गई तो मार्क बन गया मार्क बन गया जैसे मार्क बन गया वैसे तो आपने देखा तो तुरंत आपने कह दिया ये काम किसने किया आप देखिए दीवाल के ऊपर आपने केवल यूं हाथ चलाया कोई फर्क नहीं पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा किसी चीज का भी कोई चेंजेस नहीं हुआ नहीं हुआ तो हमने कहा कोई वर्क नहीं हुआ तो वर्क जब भी होगा तो वहां एवरीवेयर

डिस्प्लेसमेंट नहीं हो एक आदमी है दीवार पर धक्का लगाया जा रहा है दीवार को कारण नहीं दीवार पर धक्का लगाया जा रहा है दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कहेंगे आपने कि कुछ वर्क किया नो नो वर्क इज डन उसने कोई वर्क नहीं किया बोले वो थका क्यों एनर्जी लॉस कैसे हुई तो कोई इसको इंटरनल वर्क किया ऐसा किया तो आप हमने कहा कि हम इस काम के लिए नहीं बुलाया था लेबर को इस काम के लिए नहीं बुलाया था कि वो अपने पास थके पसीने निकाले हम पसीना निकालने के लिए नहीं बुलाया था हमने दीवार खिसकाने के लिए बुलाया था आपने वो वर्क नहीं किया तो नो वर्क इज सेट टू बी डन तो यदि फोर्स हो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स नहीं हो तो वर्क नहीं होगा कई चौंक जाते हैं सर ऐसा कैसे होगा बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा अरे फिर भूल जाते हो बच्चों आप लोग बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट नहीं होता क्या बोले नहीं होता कैसे नहीं होता याद करो ना कौन सा न्यूटन फर्स्ट लो

वर्क होगा ठीक है तो ऐसी बात है चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्डन कितना हाउ वी कैलकुलेट द वर्क तो सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं क्या कहेंगे कि वर्डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स वर्डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स फोर्स कॉन्स्टेंट है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी वंस यू से फोर्स इज constant, what डज इट it mean? इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज constant. उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों constant रहेंगे ठीक है आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक constant फोर्स लगाया इसमें भी दो केस फर्स्ट केस क्या किया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ वर्डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स ठीक है तो जरा देखिए डायग्राम के अंदर में आपको हमने बड़ा क्लियर कर दिखा रखा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया फोर्स इज कॉन्स्टेंट और इसके कारण से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी इन दिस केस दर्डन बाई द फोर्स एफ विल बी कितना होगा दिस डब्लू इज इकल टू वर्डन बाई द फोर्स इज इकल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट ठीक है तो जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा ठीक है इसलिए डब्ल्यूचल टू क्या लिख देते हैं F इंटू डी जैसे ही हम कई बार F इंटू डी लिखते हैं कई बच्चा कहता सर एक मिनट पता बोलो बोले सर क्रॉस नहीं आएगा डॉट आएगा मैंने कहा ये नहीं तो डॉट है ना क्रॉस नहीं आपने क्रॉस लिखा ना क्रॉस नहीं है आप जरा देखिए डॉट और क्रॉस हरदम दो वेक्टर्स के बीच में होता है फोर्स जो एफ और डी हमने लिखा है दीज आर नॉट वेक्टर्स, दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, दे आर स्केलर सो द प्रोडक्ट बिटवीन एफ एंड डी इज एन एलजेब्रिकल प्रोडक्ट सिंपल मैथमेटिकल प्रोडक्ट जिसको कहते हो जो आप मल्टीप्लीकेशन सीखते हो, करते आए हो, वो मल्टीप्लीकेशन है इज नॉट ए क्रॉस दिस इज नाइदर क्रॉस नो डॉट ये न तो क्रॉस है और न ही डॉट है ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बिकॉज दिस इज इन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो W इज इकल टू एफ इन टू डी यह आया वर्डन वाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तब ये बात आती है ठीक है चलिए अब बात आती है वर्क कितना हुआ यूनिट ऑफ वर्क ठीक है तो यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है मीटर सो द डब्ल्यू यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर को हम और क्या नाम देते हैं जूल न्यूटन मीटर इज नोन एज जूल जूल नाम एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने पास वर्क के ऊपर बहुत वर्क किया इसलिए उन्हीं के सम्मान में उन्हीं के ऑनर के अंदर में हमने उनकी यूनिट रख दी जिसको नाम हमने क्या दिया जूल जूल वर्क कितना होगा वन जूल वर्क इज सेट टू बी डन ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन ठीक है डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है जब वन न्यूटन का वर्क किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे, देन द वर्क इज डन बाय द फोर्स इज टू वन जूल हुई बात क्लियर चलिए ठीक है तो अब देखो डायमेंशन ऑफ वर्क डायमेंशन ऑफ वर्क इज कल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ वर्क फोर्स कितना माइनस टू 2 टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एल तो डायमेंशन ऑफ वर्क कितनी हो जाएगी एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क ठीक है आई बात समझ में चलिए तो अब अब हम वापस इसका सेकेंड कैस ले वर्डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शमेंट नहीं है बट फोर्स इज स्टिल उतना ही फोर्स और उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है आप जनरली क्या कहते हैं किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं यहां पर ऐसे पुल कर रहे हैं खेच रहे हैं खेंच रहे अपने पास। उस के क्या देखा और में नहीं है जब फोर्स डायरेक्शन में नहीं है वर्क चलिए आपको एक बात तो आती है कि फोर्स इज कॉन्स्टेंट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन देन हाउ मच वर्क इज डन बोला हाँ ये तो आता है मेरे को बोले चलिए अब ये काम करें कंपोनेंट ऑफ फोर्स One component of force in the direction of displacement, and another component of the force is perpendicular to the displacement. Displacement ke perpendicular force liya, or dusra component kaise hai? Displacement ki direction If the angle between the force and displacement is theta, then the component of the force in the direction of displacement will be is equal to F cos theta, and the component of force that is perpendicular to the displacement will be F sin theta. F cos theta.

एफ की डायरेक्शन में इज देर एनी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ साइन थीटा थीटा एफ साइन की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या ऑब्जेक्ट का आपने कहा नहीं डिस्प्लेसमेंट डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एपकोस्टिटा बोले यस इसका मतलब क्या हुआ विच फोर्स विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटलीस्टा इज रिस्पॉन्सिबल

और एफ साइन थीटा वाली डायरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं वाई डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में है दूसरा फोर्स एफ साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है और हम क्या कहते हैं आपको बार बार में एक चीज आपको बराबर याद दिलाई है क्या याद दिलाई है कि x वाला x की जाने y वाला y की जाने z वाला z की जाने x y z आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दैट्स वाई डिसमेंट इज ओनली कॉजेज बाई द एफ कॉस्थीटा देर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ साइंथीटा इन दैट डिस्प्लेसमेंट तो एफ साइंथीटा का इस डिसमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए हम यह क्या कहेंगे कि द वर्क इज डन ओनली बाई एफ कोस्थिटा नो वर्क इज डन बाई एफ साइंथीटा बिकॉज इन दैट डायरेक्शन देर इज नो डिसमेंट इफ देर इज नो डिसमेंट देन देर इज नो फोर्स इज नो वर्क ऑल दोस देर इज ए फोर्स फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसलिए वर्डन नहीं है और फोर्स है एफ थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट डी है इसलिए है। ठीक है तो क्या देखा कि ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है इसके दो कंपोनेंट्स हैं एक कंपोनेंट ने तो वर्क किया है और दूसरे कंपोनेंट ने वर्क नहीं किया है किस कंपोनेंट ने वर्क नहीं किया है F sin theta ने कोई वर्क नहीं किया है, इंटायर वर्क इज डन बाई एफ आई बात इन दिस केस इसलिए इस केस के अंदर में, मैग्नीटूड फोर्स इक्वल टू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाउ मच एफ को एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डी देट्स वाई डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस्थिटा इंटू डी और एफ डी कोस्थिटा आप वेक्टर पढ़ चुके हो आपको मालूम है एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स डी इज ऑल्सोटी एफ इज ए वेक्टर ऑल्सोडी एंडा इज द एंगल बिटवीन देम दैट्स वाई वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि एफ डी को क्या लिख सकते हैं एफ डॉट डी सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी ठीक है तो ये चीज आ गई हमारे पास किसके की कि वर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स इन विच डायरेक्शन तो वंस यू राइट डब्ल्यू f टू एफ डॉट डी तो ये हमने फोर्स तो ये हमने डन तो कैलकुलेट किया था क्या जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थे यदि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो बोले तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सर बोले कैसे बोले देख लो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना बोलिए थीटा कितना जीरो डिग्री एंड कॉस्ट जीरो आपने फर्स्ट केस में किया था कि फोर्सेंट है, है तो वर्डन बराबर कितना आया था एफ ठीक है तो डब्ल्यू इजकल टू एफ डॉ डी के अंदर में वो वाला कंडीशन भी इंक्लूड हो गई जिसके अंदर में फोर्स और डिसप्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और वो वाली कंडीशन भी इंक्लूड होगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ये वर्डन किसके लिए वर्डन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स वेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन एनी डायरेक्शन अब यूं बोलिए कि डब्ल्यू इजकल टू एफ डॉट डी दिस इज द वर्डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स वेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन एनी डायरेक्शन वेदर दे आर इन सेम डायरेक्शन वेदर दे आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेदर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो कौन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्गन इतना ही होगा बात हुई क्लियर ठीक है